भाई ने ले लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू थार। ओ भाई कतई भाई सेक्सी। क्या आपका एक सिस्टम बन गया यहाँ पे सेकेंडरी और हम यहाँ पे ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं, क्या मजेदार। डॉक्टर के पास काहे चलाने नहीं दे रहा गाड़ी इसको। हम बहुत ज़्यादा वरीड है उसके लिए, हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है हमारा काहे। होप बिल्कुल सब सही हो जाए एंड सब सही रहे। What's up guys, welcome to my new vlog। आज मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गया था सुबह, क्योंकि एक तो मुझे आज दिल्ली जाना है एंड दूसरी चीज़ ये कि मुझे सुबह सुबह उठ के काहे को खाना खिलाना था, क्योंकि आज उसका ऑपरेशन है। हम अपने बिल्ले काहे को न्यूटर कराने वाले हैं एंड उसके लिए हमने कल उसका एक ब्लड टेस्ट भी करवाया था एंड अगर ब्लड टेस्ट में सब सही होता है तो आज दोपहर को उसका न्यूटर का ऑपरेशन हो जाएगा। एंड इस ऑपरेशन से पहले उसको 8 से 10 घंटे की फास्टिंग करना जरूरी होता है एंड इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी 6:30 बजे उठ के मैंने उसको खाना खिला दिया ताकि उसकी फास्टिंग कंप्लीट हो पाए बिफोर द प्रोसेस। अब एक चीज और करनी है कि उसको सुबह 10 बजे के बाद पानी भी नहीं देना है, तो ये चीज मुझे इंश्योर करनी पड़ेगी। चलो फटाफट से तैयार हो जाते हैं, उससे पहले हमें बाइक साफ करनी है, बाइक की चेन क्लीन करनी है ताकि हम दिल्ली के लिए निकल पाए एंड वापस आके फिर ऑपरेशन के लिए भी जाना है। तो लेट्स गो गाइस। रोज मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ एंड अब बारी है ब्रेकफास्ट करने की, जो कि है फ्रूट्स नट्स एंड प्रोटीन शेक, क्योंकि मैं एक 30-day फूड एंड वर्कआउट चैलेंज कर रहा हूँ, तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है एंड उसको देखने के लिए प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वो मिस नहीं करना चाहेंगे, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो गाइस ये मेरा भाई चिन्मय एंड रिसेंटली इसकी शादी हुई है, लेकिन मैं इसको गिफ्ट देना भूल गया था। भूला तो नहीं था बट बहुत ज्यादा काम था इसलिए गाड़ी में रह गए थे गिफ्ट्स, तो आज मैं इसको गिफ्ट देने आया हूँ। हेलो भाई। हेलो। अभी बस निकलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि पापा के पास जाना है, उसके बाद हमें फैक्ट्री भी जाना है, तो चलो चलते हैं दोस्तों। हेलो भाई। थैंक यू भाई। अरे यार ये मेरा नहीं है वैसे। कौन है ये? पता नहीं यार, किसी की साइड के होंगे। मेरे पास रह गया था ये गिफ्ट, मेरे को नाम ही नहीं पता, ये पहली बार देख। अरे वर्णिका को पता होगा। ठीक है चलो भाई, ठीक है फिर। ओके भाई मजे करो यार, मिलते हैं। बाय बाय। फुर्सत से मिलते हैं यार। व्हाट्स अप जी, क्या हालचाल? बस बढ़िया, आप बताओ। लेट नहीं हो गया? लेट यार हो गया, चिन्मय के पास गया था ना। चलें हीरो की तरह चल के आ रहा हूँ मैं, वैसे ही बात कर रहा हूँ, वो वीडियो बना ही रहा है। क्या कोई हीरो इतनी मिलने वाली सुबह में, चिंता मत करो, कितने हीरो की तरह चल लो। पापा के पास जवाब ही नहीं है। नहीं यार हीरो लग रहे हो बिल्कुल, अजय देवगन। बस अब विमल की ऐड करनी है। क्या क्या डाला है इसमें? मैंने इसमें डाला है प्याज, टमाटर, जिंजर, गार्लिक, कैरेट, पनीर एंड ब्रोकली। मम्मी अभी जाना है काय को लेके ना डॉक्टर के पास, मैंने सुबह बात की है, ब्लड टेस्ट तो नॉर्मल है, अब उसका वो कराना है ऑपरेशन दोपहर में। किस चीज का? वो न्यूट्रल करवाना है ना उसको। चलो मैं निकल रहा हूँ फिर, ठीक है मिलता हूँ कुछ दिन में। तो गाइस हम मम्मी से भी मिलने हैं, पापा के साथ जा रहे हैं हम फैक्ट्री। चलो अब जल्दी से फैक्ट्री पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। चलो ठीक है पापा, मिलता हूँ वहीं पे फिर। हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फैक्ट्री एंड ये रहा मेरा छोटा भाई प्रथम। ये मेरा छोटा भाई नहीं लग रहा, क्योंकि बॉडी वॉडी बना ली है इसने बहुत ज्यादा। हेलो बोल दो भाई, देख रहा है ना कितनी ज्यादा तगड़ी बॉडी बना रखी है इसने एंड इसकी बॉडी से मैच करने के लिए भाई ने ले ली है बिल्कुल ब्रांड न्यू थार। क्या बढ़िया लग रही है एंड भाई साथ में खड़ा होगा ना, क्या फील आने वाली है, क्या लुक आने वाली है। चलो थार में बैठते हैं, घूमते फिरते हैं एंड आपको दिखाता हूँ कि कितनी सही इसने लुक बना रखी है एंड इसने क्या क्या काम करा रखा है इसके अंदर। भाई टायर क्या करा रखे हैं तूने?
कतई भाई सेक्सी। शर्मा की रहती तो ज्यादा। आजा आजा भाई, बिल्कुल जच रही है, बहुत सेक्सी लग रही है। चल घूम के आते हैं इसमें, तो पापा आएंगे उसके बाद चलते हैं। फिर बता अंदर से दिखाए तब तक। ये बैठने के लिए दे रखा है, पकड़ के बैठने के लिए। ऊपर वाला भी। अच्छा ये भी है भाई, क्या मस्त है यार। अंदर से भी काफी स्पेशियस है, अंदर भी काम यही सब करा रखा है। सब कंपनी फिट है। अच्छा ये सब कंपनी फिट है, अंदर से कुछ भी नहीं कराया। अंदर से कुछ नहीं कराया भाई, फिर तो बहुत ही प्यारी लुक है यार अंदर से भी कंपनी फिट में। हाँ बहुत ही सेक्सी। पीछे बैठने में परेशानी नहीं होती लोगों को? ये वाली सीट पूरी आगे होती है। एक बार करता हूँ मैं ऊपर से। इसको आगे करूं नीचे से कैसे? अभी ये ऐसी, अभी वो सामान पड़ा है ना, हो नहीं रही पूरी बैठ, पूरी आगे जाती है। हाँ। और पीछे से बैठने का भी है? नहीं, डिक्की तो कुछ ही नहीं है, डिक्की में ऐसे बंदे बैठ जाएं बस मस्ती करने। बढ़िया है यार, काफी बढ़िया है ये, इधर आने के लिए होती होगी बाहर पहाड़ों में। हाँ घुमाने फिराने के लिए ऐसे ही। तो फैमिली के साथ जाना है तो सेल्टोस, फिर सेल्टोस क्योंकि इसमें डिक्की तो नहीं है बिल्कुल भी। नहीं पर गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत ही सेक्सी। अभी चलते हैं, थोड़ी देर में चलाते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ भाई गाड़ी बंद होते ही बिल्कुल साइलेंस हो गया अंदर, केबिन में आवाज नहीं है बिल्कुल। डीजल है ना ये तो? हाँ। ये टैटू भी कराया तूने यार? ये बहुत टाइम हो गया यार अपने को मिले हुए, शायद आशी की शादी में मिले थे लास्ट। हाँ। उसके बाद नहीं मिले, उसके बाद नहीं मिले। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ ड्राइवर सीट पे, एंड मैं पहली बार थार चलाने वाला हूँ, एंड मैनुअल चलाई भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये भाई बैठा है मेरे साथ में, ये मेरे को गाइड करेगा क्योंकि ये तो भाई एक्सपर्ट हो गया है। अब इतने टाइम पहले मिला था समय, एक साल पहले, तब भाई इसने कुछ कुछ ऐसे बॉडी वॉडी नहीं बना रखी थी इतनी, एंड ये टैटू वैटू नहीं करा रखा था भाई ने, टैटू भी करा लिया है भाई। अब ये एक्सपर्ट हो गया है, एंड अब हम हो गए हैं इसके स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट हम अभी जाम में फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भैया निकालेंगे अपनी गाड़ी को। चार बार काट चुके हैं, वो अभी तक कटी नहीं है उनसे। काट लो भाई, हॉर्न भी चेंज कराया तूने? हॉर्न वो है फैक्ट्री हॉर्न, नॉर्मल है। देखो ट्रक वाला भी डर गया भाई, ट्रक वाला भी डर गया। यहाँ पे ना ये दिक्कत है, हर जगह जाम लग जाता है, ट्रक ही ट्रक है हर जगह। हम भी अपना ट्रक लेके निकले हुए हैं भाई, निकलवा दो यार, निकलवा दो भाई, निकलवा दो भाई। यहाँ पे आ रहे हैं एडवेंचर स्टार्ट्स, ये क्या क्या बता रहा है, पावर बता रहा है, टॉर्क बता रहा है, मतलब काफी बढ़िया आपका एक सिस्टम बन गया है यहाँ पे सेकेंडरी। और हम यहाँ पे ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं, क्या मजेदार, सब लोग देख देख के मुड़ रहे हैं, देख देख के जा रहे हैं। अच्छा ओ भाई ये चीज भी है, क्या सही है यार, ये क्या बता रहा है, टायर रोटेशन 4x2 में, मतलब क्या होता है चारों टायर घूमते हैं लेकिन दो टायर ही घूम, मतलब 4x4 में चारों इधर उधर भी। हाँ अच्छा वो भी हो जाते हैं, टिल्ट भी हो जाते हैं ना इसमें, है कि दो टायर टिल्ट होंगे पर घूमेंगे चारों टायर। इसमें भगाने का मजा थोड़ी आएगा, ये तो भाई ऑफ रोडिंग के लिए है, टोरे के लिए है।
तो गाइस थार चला के तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, मेरी तो मतलब यार मन ही बन गया कि थार ही ले लूं। इतने टाइम सोच रहे थे कि भाई थार है तो कोई बात नहीं, फैमिली कार नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यार फैमिली कार बना लेंगे इसको। भाई ने एक तो इतनी मॉडिफिकेशंस वगैरह करा रखी है, तो इतनी मस्त हो रही है गाड़ी, बहुत ही मजा आया चला के। ऐसे बैठे हैं खड़े में जैसे बुत बन के, ऐसी कुछ बोलना ही नहीं है किसी को, दोनों ऐसे खड़े हो गए जैसे कि भाई पनिशमेंट चल रही है इनकी। चले फिर बाय बाय, पहले ही बाय कर दिया, मैंने बाय बोला भी नहीं था अभी तक, बाय कर रहे हैं। चलो गाइस अब घर चलते हैं, अभी काय को लेके जाना है डॉक्टर के पास, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपॉइंटमेंट 2 बजे के लिए रखी है एंड यहाँ से जाने में करीब 1 घंटा तो लग ही जाएगा मुझे, मैंने ट्रैफिक देख लिया था ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन हम बाइक पर आए हैं बहुत अच्छी बात है, तो हम भगाते हुए पहुँच जाएंगे। तो चलो चलते हैं घर एंड आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी। बाय बोलते बाय बाय। क्या नहीं लाया? वो प्रो प्रो गोप्रो। गोप्रो नहीं यार, वो लगा के बहुत ना देर तक चेस्ट पे भी तो लग जाता है वो आराम से। गाइस दिल्ली से नोएडा वापस आने मुझे 1 घंटे से भी ऊपर लग गया, मतलब बाइक पे भी इतनी देर लग गई एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गया, कमर टूट रही है, लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट थी एंड मैं वैसे ही लेट हो गया था घर आने में, तो हम अब तुरंत निकल रहे हैं, जानू ने गाड़ी निकाल ली है, चलो फटाफट से काय को लेके चलते हैं उसको ऑपरेशन के लिए, लेट्स गो। चलो चले बच्चा, बेचारा बहुत देर से भूखा है ना, ये भी पैसा भी। इनफैक्ट पलक ने ना मुझे चॉकलेट डे पे ये वाली चॉकलेट दी थी, मैं चॉकलेट तो खाता नहीं हूँ एंड वो भी नहीं खाती, तो हम दोनों ही प्रोटीन बार्स खाते हैं, तो थैंक यू बेबी। चलो यार मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मतलब हल्के फुल्के फ्रूट्स खाए हैं सिर्फ एंड मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो फटाफट से ये खा लेते हैं, मस्त पहुँच गए गए। उसको बिठा दो, भैया बोले लाइन लगी हुई है। लाइन लगी? हाँ हम लाइन में लगे हुए हैं, मतलब कितनी लगी भैया कुछ आइडिया? इसके बाद एक और होना है? नहीं इसके बाद नहीं, जो अभी हो रहा है उसके बाद। अब तो कुछ सामान देख लेते हैं और क्या इसके लिए। ये क्या हो गया काय, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली आपको? क्या हो गया काय, ये फिर बुक कराना पड़ेगा आपको। अभी हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी करीब करीब 1 घंटा लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए थे एंड आज इतने सारे ऑपरेशन हैं, वो कह रहे हैं भाई मैं तो बैक टू बैक सर्जरीज में हूँ, तो इसलिए उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं अब आते हैं हम 1 घंटे में, अराउंड 50 मिनट्स में आ जाएंगे, तो घर पर चले खाना खा लेते हैं उसके बाद वापस आ जाएंगे एंड इसका ऑपरेशन करा लेंगे आज। कितने प्यार से बैठा हुआ है, पहले बिल्कुल भी नहीं बैठता था ना ये गाड़ी के अंदर, जब भी गाड़ी के अंदर तो म्याऊं म्याऊं ये वो प्लांट हिमकांग, इतनी बातें करता था अब शांत होने लग गया। हम सिर्फ 10 मिनट के लिए गए और किसी ने यहाँ पे गाड़ी लगा दी अपनी। काय तो गाइस हम वापस जा रहे हैं अब डॉक्टर के पास, काय चलाने नहीं दे रहा गाड़ी इसको। अभी टाइम लगेगा यार, 15-20 मिनट तो लगेंगे ऐसा लग रहा है, यहीं बैठा रहना पड़ेगा तब तक। बेचारा भूखा है इसका, बुरा लग रहा है मुझे तो बहुत। तो गाय को सोने के लिए मेडिसिन दे दी गई है, मतलब इंजेक्शन लगा दिया है उसको एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया वो इंजेक्शन लगाते ही, लेकिन अब वो जल्द ही सोने वाला है एंड उसके बाद प्रोसीजर चालू हो जाएगा। कितनी देर लगी इसको सोने के अंदर? 10-15 मिनट में सो जाएगा और उसके बाद प्रोसीजर आई थिंक 1.5 घंटे का है, हाँ तो मतलब 1 घंटे के अंदर हमारा सारा सीन सॉर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद उसको ले जा सकते हैं। बहुत देर से खाया नहीं ना। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हो गया। चलो काय बंद हो गया, इसको नशे हो गए नशे। देखो कोई बच्चू पहली बार नशे किया ना इसने। डॉक्टर्स काय को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं एंड हम उसका इंतजार कर रहे हैं बाहर आने का, हम बहुत ज़्यादा वरीड है उसके लिए, हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है हमारा काय, होप बिल्कुल सब सही हो जाए एंड सब सही रहे। बेब एनीथिंग टू से? नथिंग टू से।
बेचारी बहुत उदास है, इतना भंड कर दिया था ना काय को, उड़ता पंजाब बना दिया था उसका बिल्कुल ही। नीचे से वो कॉटन भी हटाना, वो तो हट जाएगा। गाइस हम घर वापस आ चुके हैं एंड खुशखबरी ये है कि काय बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एंड बहुत ही अच्छी गई है सर्जरी। अब बस 24 घंटे और लगेंगे क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि 24 घंटे तक लग सकते हैं इसको रिकवर करने में, तो बस हम उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो वापस से फुल एनर्जी हो जाएगा एंड फुल पावर इधर उधर भागने दौड़ने लगेगा। तो अभी वो आराम कर रहा है, अब टाइम हो गया हमारे भी आराम करने का क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुबह से उठा हुआ हूँ एंड बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।